इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। संप्रदाय है, एक नाथ कौन सा संप्रदाय, नाग संप्रदाय कहलाता है, जिनका रोहतक में वो है जी। उसको उन्होंने हिंदू समुदाय के संप्रदाय को अलग से एक अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा दिया। हम भारतीय समाज को एकत करना चाहते हैं, उन्होंने भारतीय समाज को बांटने का काम किया। अनेकों ऐसे मुद्दे थे और कुछ मुद्दे थे जो मैं अभी यहाँ चैनल पर डिस्कस नहीं करता, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी ने समाज के हित में और हरियाणा के हित में वो निर्णय लिया था। ठीक है, हम एक आखिरी टिप्पणी केवी पंडित जी से ले लेना चाहते हैं, समय हमारे पास कम है। केवी पंडित जी, जवाहर साहब जो बात कह रहे हैं और जितना कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि अगर हम हारे हैं तो साथ हैं, हम जीते हैं तो साथ हैं, इस बात में आपको बड़ा भविष्य दिखाई दे रहा है या जो धनखड़ साहब का इशारा है भविष्य उस तरफ जा रहा है? मुझे ये लगता है जो धनखड़ साहब का इशारा है वो ज़्यादा वजनदार लगता है। उसका कारण ये है कि ये जो चुनाव हुए लोकसभा के, उसमें अकेले बीजेपी को 34.7% वोट मिले और हजक्का को 6.6%। अगर विधानसभा की सीटें देखें तो 52 सीटों पर बीजेपी ने लीड की और 7 पर 90 में से 52 और उन्होंने 7 पे की, जबकि उनके इतना बड़ा फासला है। दोनों में 18 सीटें थी उनके पास, दो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी ना नोनो वाली, 18 में से केवल 7 जीत पाए, वो दो क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे थे ना पार्लियामेंट्री। तो इसलिए क्या है, अब बीजेपी का हौसला बढ़ा जीत के बाद, देश में मोदी जी की सरकार बनने के बाद, तो बीजेपी में कसक रही पहले से, वो कसक इस बार पूरी करना चाहते हैं। आपको 90 की 90 सीटें क्यों नहीं लड़े, हम अपना वजूद क्यों नहीं रखे, हम बेसाखी क्यों बढ़े, एक चिंतन चल रहा है बीजेपी में और उसकी तरफ इशारा इसके नेता कर रहे हैं। शक्ति कह रहे हैं कि बैशाखी फरारी हो रही है, ये तो लिमिटेशन है, फरारी होने का ही खतरा है, जवाहर यादव जी की लिमिटेशन है। फिलहाल पार्टी की तरफ से संकेत नहीं है, ये प्रवक्ता के रूप में यहाँ कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मैं ये राजनीतिक रूप से पढ़ रहा हूँ, पढ़ रहा शब्द यूज करना पड़ेगा, पत्रकार हूँ। अब मुझे ये लगता है कि पुनर्विचार ही नहीं होगा, या तो उसकी औकात में रखेंगे उसको, जितनी लिमिट है 45-45 सीटों का बंटवारा नहीं हो सकता और हारने वाले को लीडर नहीं बन सकता। हारने वाले को मुझे आपत्ति, मुझे आपत्ति है। हरियाणा के जो प्रभारी हैं, एक मिनट, इसका ऑफिशियली आज से 2 दिन पहले भी और कल भी इन्होंने ये कहा है कि इसके बारे में दोबारा सोचना पड़ेगा, समझौते के बारे में। और हजका वाले मान चुके हैं कि भाई जो प्रकाश सिंह बादल हैं, जो एनडीए के घटक दल हैं, हाँ, उनकी भी कोई बहुत दिलचस्पी, चूंकि चुनाव हराने का काम हुआ, एनडीए ने कोई कंप्लेंट रजिस्टर नहीं की, जो हारा है उनकी वजह से ज्यादा हारे हैं। ये भी एक विश्लेषण, राजीव जी, एक तो भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें हर एक कार्यकर्ता अपनी मर्यादा में रहता है, प्रवक्ता नहीं, परंतु प्रवक्ता वो बोलता है जो सच है और जो सामने नजर आता है, जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है। ये तो हमारा निर्णय, आज हमारा निर्णय हमने बड़े स्पष्ट रूप से बड़ी ईमानदारी से आपको बताया, वो किसी दबाव में किसी मर्यादाओं के कारण नहीं, हमारा हर कार्यकर्ता मर्यादा में रहता है। दूसरा, हम अपने अलाइज के लिए ऐसे शब्दों का, क्योंकि कांग्रेस और हमें मूल अंतर यही है, कांग्रेस ने सीबीआई का उपयोग किया होगा, हम करते नहीं, हम उनकी औकात शब्द में नहीं मानता, वो हमारे सहकर्मी और हम परस्पर मिलकर साथ काम कर रहे हैं, करें। ठीक, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है। शक्ति, एक बिल्कुल फाइनल कमेंट, अगर ऐसा हो जाता है, फिर से एक हाइपोथेटिकल सवाल है, हजका के पास रास्ता क्या बचता है, क्या विकल्प है हजका के पास सिवाय इसके कि सब कुछ बर्दाश्त करो? अब तक भी बर्दाश्त ही कर रहे हैं लेकिन जवाहर साहब इतने अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्होंने 2 सीटें, अगर 10 सीटें बीजेपी ने लड़ी होती अपने दम पर तो शायद एक दो बढ़ जाती, 8 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ी, 7 सीटें जीती है, इससे अच्छा रिजल्ट क्या हो सकता है? लोकसभा का यहाँ पर जैसे ही चुनाव हुआ था तो कुलदीप बिश्नोई की बॉडी लैंग्वेज कुछ अलग थी, वो कह रहे थे कि लोकसभा में हमारा बीजेपी हमारा बड़ा भाई थी, विधानसभा में हम बड़े भाई होंगे, लेकिन अब जैसे ही बीजेपी अब बड़ा भाई बनाने को तैयार नहीं, अब बड़ा भाई बनाने के लिए क्योंकि बड़े रिजल्ट नहीं आए, संन्यास वाली बात भी, चुनाव में नतीजे बहुत कुछ तय करते हैं। बीजेपी की तरफ से जो मेरा मानना है, बीजेपी की तरफ से कुलदीप को यह कहा गया है कि भैया या तो विलय कर ले, अगर रहना है
अन्यथा हमारे साथ इन्होंने कहा कि बीजेपी की तरफ ऐसे महत्वपूर्ण शब्दों का इतने का इस्तेमाल करें, फिर हमें तथ्य देने चाहिए। आप अपनी बात को पार्टी की राय बना दोगे वो नहीं है। मुझे कि ऐसा किसने कहा तो बताएंगे, फिलहाल तो ऐसा किसने कहा। मुझे लगता है कि कहीं कुलदीप वापस कांग्रेस में ना जाए, ये भी एक संभावना बचती है। चलिए, इन सारी संभावनाओं पर हमारी नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया हमारे सभी मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। आज की बड़ी बहस में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, इंडिया न्यूज पर खबरें जारी है, थोड़ी देर में फिर हाजिर हो रहे हैं।